हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो जो आपके लिए स्कॉलरशिप से संबंधित है, तो फ्रेंड्स आप जो वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर साल 36,200 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के लिए 30 तक करें आवेदन। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि UGC ने जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके तहत जो ऐसी छात्राएं जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर रही है, वह माता पिता की जो इकलौती संतान है, वह जो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है सरकार ने कुछ मापदंड भी तय किए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इसके लिए मापदंड जो है सरकार ने तय किए हैं। फ्रेंड्स, छात्रवृत्ति के लिए जो है छात्रा की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है, अंडर 30, वह माता पिता की इकलौती संतान, ठीक है, और जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में जो फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम के प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है नियमित छात्रा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नियमित छात्रा नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन ना करें। तो फ्रेंड्स, पात्र उम्मीदवार जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है उम्मीदवार www.b4s.in पर जो है विजिट करें और अपना आवेदन कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जो है छात्रा को जो है 36,200 रुपये प्रति 2 साल तक जो पूरी मास्टर डिग्री हेतु प्राप्त होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो जो है 30 नवंबर 2018 तक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नज़र में कहीं भी कोई ऐसी छात्रा है जो कि MA कर रही हो, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रथम वर्ष की छात्रा हो और जो है साथ में माता पिता की चौथी संतान हो, तो फ्रेंड्स आप जो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप जो है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं 30 नवंबर 2018 तक। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर।